तो गाइज आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज की वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। आज हम माइनक्राफ्ट के मिस्ट्रीज के ऊपर से पर्दाफाश करने वाले हैं, जैसे कि किसने हीरो ब्रायन को बनाया होगा या फिर क्या राज छुपा इस माइनक्राफ्ट की पेंटिंग के पीछे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स बिगिन। नंबर 8। हीरो ब्रायन की कहानी आप सभी लोगों ने सुनी होगी, कैसे वो प्लेयर को डराता है, जाके सारे पेड़ के लीव्स यहाँ पे गायब करता है और दिखने में भी काफी ज्यादा क्रीपी होता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सारी चीजें माइनक्राफ्ट में कोई और मॉब कर रहा हो, एक ऐसा मॉब जिसके पास काफी सारी मैजिकल पावर हो और सबसे इम्पोर्टेंट उसको इल्यूजन्स क्रिएट करने आते हो। जी हाँ, आप सही समझे, मैं इल्यूजनर की बात कर रहा हूँ। माइनक्राफ्ट का एक ऐसा मॉब जो पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं दिखेगा, और हाँ उसको मैजिक भी करना आता है। दिखने में काफी हद तक ये पिलेजर्स जैसा ही दिखता है, और थ्योरीज तो ये भी कहती है कि पिलेजर्स ने इसको मेंशन से बाहर निकाल दिया था क्योंकि ये सबको इल्यूजन्स दिखा के सबको परेशान करता था। एंड जब वो इस वर्ल्ड में आया उसने दूसरे लोगों को भी परेशान करना शुरू कर दिया, जैसे विलेजर्स को झूठी रेड दिखाना या फिर प्लेयर के सामने ऐसे सारी ट्रीज की लीव्स गायब करना और उनको दूर से देखना और डराना। और इसी इल्यूजनर ने हीरो ब्रायन का ऐसा इल्यूजन बनाया जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा क्योंकि वो गायब रहता है। एंड इस हीरो ब्रायन के इल्यूजन को आज तक रियल माना जाता है। नंबर 7। एलिस मेरे को यार बहुत ज्यादा पसंद है, एंड ये जस्ट अभी अभी माइनक्राफ्ट के अंदर ऐड ही हुई है, और ऊपर से यार ये हमारा इतना ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है, भाई मजा ही आ जाता है। लेकिन कुछ लोगों को ये एलिस बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार, जैसे कि ये पिलेजर्स, पता नहीं क्यों यार पिलेजर्स इनको बिल्कुल कैद करके रखते हैं यार। इवन जब आप पिलेजर्स आउटपोस्ट पर जाओगे काफी सारी एलिस आपको यहाँ पे फैंस के अंदर बिल्कुल ट्रैप्ड मिल जाएंगी। इनफैक्ट वुडलैंड मेंशन में एक ऐसा भी मॉब रहता है जो कि बिल्कुल एलिस जैसा ही दिखता है, या फिर मैं ऐसा कहूं कि ये दोनों मॉब एक ही है। जी हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है, पिलेजर्स इस वर्ल्ड में घूम घूम कर एलिस को पकड़ लेते होंगे और उनको ले जाकर सीधा आउटपोस्ट में ऐसे ट्रैप कर देते हैं, और फिर उनको वुडलैंड मेंशन में ले जाकर बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर ये मजिशियंस आता है अपनी ईवल पावर से अच्छी अच्छी एलिस को एकदम खतरनाक वैक्स में कन्वर्ट कर देता है। और अब ये ईवल वैक्स सारे पिलेजर्स की यहाँ पे मदद करती है, वो प्लेयर्स को बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से मारती है और रेड में भी इवन पिलेजर्स की हेल्प करती है। तो हाँ, वैक्स और एलिस सिर्फ दिखने में सेम नहीं है बल्कि वो एक ही मॉब है जिसको मैजिशियन ने कन्वर्ट कर दिया था। नंबर 6। तो देखो, माइनक्राफ्ट में ऐसे बड़े बड़े सीड होते हैं और ये हमें लेके जाते हैं बहुत ही अलग अलग वर्ल्ड के अंदर। लेकिन क्या होगा अगर माइनक्राफ्ट में सीड जीरो डाल के देखे? यस, सीड जीरो। लेट्स सी इससे क्या होता है। ये तो कोई नॉर्मल सा ही वर्ल्ड लग रहा है, आसपास तो ऐसा मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। लेकिन हमेशा से ऐसे नहीं था, पहले वाले माइनक्राफ्ट के वर्जन सीड जीरो हमें सीधा लेके जाता था नॉच के टेंपल के सामने। यस, इस बड़े से स्टैचू को तो आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो यहाँ स्पॉन होते ही सामने आपको सबसे पहले एक चेस्ट मिल जाएगा, वो भी पूरी गोल्ड से भरी हुई। यहाँ से आपको गोल्ड उठाकर सीधा सामने वाले पूल के अंदर डाल देना होता है और आपके लिए सामने मस्त दरवाजा खुल जाएगा। ऊपर जाने पे आपको दिखेगा एक सब बड़ा सा स्टैचू जिसको हम नॉच टेंपल कहते हैं। इसकी ऐसी बड़ी बड़ी आंखें होती है और इवन दाढ़ी भी होती है, और यहाँ पे आपका लक टेस्ट होने वाला है। आपको या तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा खजाना मिल सकता है या फिर आपको सीधा लावा के अंदर गिराया जा सकता है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिर्फ गोल्ड इंगट्स भी यहाँ से चुरा के भाग सकते हैं, कोई नहीं देखने वाला, एकदम ही मस्त स्टैचू है और दिखने में काफी ज्यादा क्रीपी भी। नंबर 5। देखो, माइनक्राफ्ट में ये दो टाइप के गोलम होते हैं जो कि ऑब्वियसली यार विलेज की प्रोटेक्शन करते हैं और फालतू मॉब्स को मस्त वाला पेल देते हैं। अब आयरन गोलम्स को तो यार विलेजर्स ने स्पॉन करा होगा, लेकिन इन स्नो गोलम्स को भला किसने बनाया? ये नेचुरली यार कभी स्पॉन ही नहीं होते हैं। वेल, इसके पीछे यार काफी ज्यादा फनी सी स्टोरी है। तो ये बात है एक स्नो बायोम वाले विलेज की, जहाँ पे काफी सारे विलेजर्स रहते थे और वो लोग ट्राई कर रहे थे बिल्कुल एक नया आयरन गोलम बनाने का। सारे विलेजर्स यहाँ पे हर टाइप का आइडिया ट्राई कर रहे थे कि कैसे स्पॉन होगा, और उसी टाइम तभी एकदम तगड़ा सा स्नो का स्टॉर्म आ जाता है एंड सारे विलेजर्स भाई अपने घरों में निकल लेते हैं, लेकिन वो अपना सारा सामान ऐसे ही छोड़ देते हैं और धीरे धीरे वहाँ पे काफी सारा स्नो कलेक्ट हो जाता है और ऐसा फॉर्मेशन बन जाता है। एंड तभी वहाँ पे एकदम से समन होता है ये स्नो का ऐसा क्रिएचर। पहले तो विलेजर्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आया ये क्या चीज है, लेकिन धीरे धीरे विलेजर्स ने स्नो गोलम को अपना दोस्त बना लिया। एंड जब भी विलेजर्स पे कोई मॉब अटैक करता था तो स्नो गोलम उसको पेल देता था और पूरे स्नो बायोम वाले विलेजर्स को एकदम सेफ रखता था। नंबर 4। जैसे ही यहाँ पे माइनक्राफ्ट में रात हो जाती है तो हम लोग सारे जाके सोने का ट्राई करते हैं ना। वर्ल्ड में जैसे ही रात होती है यार बहुत सारे मॉब्स आने लग जाते हैं एंड रात को अपना मून भी निकलता है, जो कि यार कभी कभी तो नॉर्मल दिखता है, लेकिन कुछ माइनक्राफ्ट के प्लेयर्स ने रेड मून भी देखा है एंड इसे हम
ब्लड मून भी कहते हैं। जी हाँ, एकदम अलग सा मून जिससे इस वर्ल्ड पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे माइनक्राफ्ट में फुल मून आने पे यहाँ पे सारे मॉब्स थोड़े से खतरनाक हो जाते हैं, कुछ वैसे ही ब्लड मून के आने पे यहाँ पे सारे मॉब्स एकदम पागल हो जाते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज एंड हस तो बिल्कुल अजीब हरकतें करने लग जाते हैं और आपके पेट आप पे अटैक भी कर सकते हैं उस टाइम। खासकर अगर आपने कोई डॉगी पाल रखा हो तो वो ब्लड मून आने पे बिल्कुल एकदम लाल पड़ जाता है एंड प्लेयर पे सीधा अटैक भी कर सकता है वो। इवन अगर आप रात को ब्लड मून के नीचे सोने का ट्राई करते हो या तो कभी आपका बेड डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड अगर आप गलती से सो भी जाते हो तो प्लेयर के ड्रीम में ऐसी जगह वो पहुंच जाएगा जहां पे इसको सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखेगा, अजीब आवाजें आएगी एंड वहां पे इवन खून की नदियां भी बहती है। नंबर 3, वेल माइनक्राफ्ट के अंदर यार देखो तीन टाइप के डायमेंशन होते हैं जिनके बीच में हम इधर उधर घूम ही सकते हैं और तीनों डायमेंशन के नाम बताने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपको पता ही है ना। लेकिन माइनक्राफ्ट में एक ऐसा फोर्थ डायमेंशन भी होने वाला था, एक ऐसा डायमेंशन जो बिल्कुल एकदम सपने जैसा दिखता हो। उसमें ऐसे बड़े बड़े उड़ते आइलैंड्स होते हैं, बहुत ही मैजिकल से क्रिएचर्स घूमते हैं इसके अंदर और सुंदर सुंदर पेड़ भी हरे भरे और हाँ ऐसे उड़ने वाले पिक्स भी रहते हैं यहाँ पे। और शायद आपने इस डायमेंशन के बारे में सुना ही होगा, दी एथर। जी हाँ, एक ऐसा डायमेंशन जो माइनक्राफ्ट के क्रिएटर ने बनाया था। और इसके अंदर जाने के लिए वेल आपको थोड़े से ग्लोस्टोन को कुछ इस तरीके से लगाना है और बीच में ऐसे पानी डाल दो या तो फिर जाकर आप सिंपल सो जाओ और आप इस डायमेंशन में कभी उठ भी सकते हैं और उड़ते ही आपके सामने होगा एकदम मैजिकल सा वर्ल्ड, बिल्कुल उड़ते पिग्स भी होंगे वहाँ पे। और इससे बाहर निकलने का तरीका भी बहुत ज्यादा सिंपल बनाया था, यहाँ से सीधा नीचे कूद जाओ, आप मारोगे नहीं बल्कि ओवर वर्ल्ड में पहुंच जाओगे। काफी ज्यादा मस्त डायमेंशन था यार, पता नहीं माइनक्राफ्ट वालों ने डाला क्यों नहीं। नंबर 2, जब भी हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर घर बनाते हैं तो उसको ऐसा मस्त सजाने का ट्राई करते हैं और इवन अंदर हम जाके पेंटिंग्स भी लगा देते हैं। पेंटिंग्स यार काफी ज्यादा मस्त लगती है। इवन कुछ लोग यार पेंटिंग्स को सीक्रेट एंट्रेंस की तरह यूज करते हैं, लेकिन इन पेंटिंग्स का यार एक्चुअल में मतलब क्या है? देखो माइनक्राफ्ट में अभी यार 26 पेंटिंग्स है इन टोटल और अगर हम सारी पेंटिंग्स को एकदम ध्यान से देखें तो भाई कुछ समझ ही नहीं आता यार ये क्या ही बना रखा है। जैसे कि ये वाली पेंटिंग जिसमें खोपड़ी बनी हुई है वो भी जलती हुई, लेकिन कुछ ऐसी पेंटिंग्स है जिसको सीधा रियल लाइफ से उठाया गया है जैसे कि ये वाली या फिर ये वाली देख लो। एंड इवन माइनक्राफ्ट में एक ऐसी भी पेंटिंग है जिसने एक्चुअली विदर को जन्म दिया है। अब आप सोचोगे ये कैसे पॉसिबल है, ऐसी कौन सी पेंटिंग है? तो इस पेंटिंग का नेम है द लास्ट पेंटिंग, जिस पर आप साफ साफ विदर को समन करने का प्रोसीजर यहाँ पे दिखा रखा है। आप ऐसे ही फॉर्मेशन अगर सारी चीजों को लगाते हो तो यहाँ पे विदर समन हो जाता है। इससे पहले शायद ही किसी को पता होगा कि विदर कैसे समन करना है। नंबर 1, माइनक्राफ्ट की ऊपरी सतह पे काफी सारी चीजें तो होती है जैसे कि ये काफी सारी मस्त मस्त स्ट्रक्चर और यहाँ पे काफी सारे मॉब्स भी घूमते हैं। लेकिन अगर हम माइनक्राफ्ट के पानी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल एक नई दुनिया खुल जाती है हमारे सामने और ये माइनक्राफ्ट के ओशन में यार काफी सारी चीजें छुपी होती है। और ऐसे ही ओशन में घूमते वक्त आपने ऐसे शिप्स तो जरूर देखे होंगे जिनको हम जाके लूटना पसंद करते हैं, लेकिन हमेशा से मैं ये सोचता हूँ कि ये शिप्स भला आए कहाँ से हैं और यहाँ पे ये शिप्स आके डूब क्यों गए हैं। तो देखने में तो ये बिल्कुल शिप्स पायरेट्स के ही लगते हैं और इवन यहाँ पे नीचे काफी सारा सामान भी भरा रहता है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक ट्रेजर मैप भी। क्या पता पायरेट्स उस ट्रेजर को ढूंढने निकले होंगे, लेकिन किसी वजह से उनकी सारी शिप्स यहाँ पे डूब जाती है और धीरे धीरे वो पानी में नीचे चली जाती है। और आज तक हमें ओशन में ऐसी शिप्स देखने के लिए मिल जाती है जिनमें आज तक ट्रेजर मैप रहता है और वो ट्रेजर हमारा सिर्फ प्लेयर ही लूटता है और कोई नहीं।